राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो बजैया। जय श्री राधे। कल अम्बरीश के पूर्व जन्म का चरित्र कहा था। उसके बाद किसी ने जा करके नरसिंह दास ने जा करके कहा कि ये तो पूर्वजन का तो उनका जो आपने बताया को सुनार थे, और इतने बड़े रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा का श्राप भी उनके ऊपर नहीं लगा। तो ये एक आश्चर्य की बात है, कोई कोई आदमी इतना छोटा था। और उसको इतना बड़ा सम्मान कि दुर्वासा जिनके के शाप से यदुवंश नष्ट हो गया, जिनके शाप से भय से लक्ष्मण ने रामाज्ञा छोड़ दिया, और इसके पीछे लक्ष्मण का परित्याग हुआ, ऐसे दुर्वासा जी शून्य हो गए अम्बरीश के सामने। तो ये विचित्र बात है। तो हमने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि हम तुम चाहे साधु हो, चाहे विद्वान हो, चाहे तपस्वी हो, भगवान लीला को नहीं समझ सकते। जो शंका किया कि पूर्व जन्म में सुनार थे अम्बरीश, सुनार तो होना एक निकृष्ट बात है। कहें कबीर हम सब जग छानिया, भगत न देखा सुनार उबानिया। सुनार अपनी माँ तक के आभूषण में सोना चुराता है। असली सुनार वही है जो अपनी माँ तक को नहीं छोड़ता है। और असली बनिया वही है जो लाभ के लिए सबकी डाढ़ी मार लेता है। तो
तो ये विचित्र बात थी। अम्बरीश जी सुनार बने पूर्व जन्म में, और वो लड़की वेश्या बनी। ये सब बातें समझ में नहीं आ सकती। तो हमने उनसे कहा कि भाई, कहा तो नहीं उत्तर उस समय, कि भगवान की लीला कोई नहीं समझ सका। ब्रह्मा को मोह हुआ, सती को मोह हुआ, और ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस क्षण रघुपति करही सो तेहि तस क्षण होय। ये दोहा याद आया, ये शायद नारद मुंह में ये बात कही गई है। संख्या वंख्या याद रहती नहीं हमको। कि संसार में न कोई ज्ञानी है न मूढ़ है, जिसको प्रभु जैसा बना देते हैं वो वैसे ही बन जाता है। क्या संख्या है, है? बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। नारद जी ने श्राप दिया भगवान को, गिरजा चकित भई सुनिवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। आश्चर्य में कि नारद ने श्राप दिया, नारद तो साक्षात भगवान के अवतार हैं, भक्त हैं, ऐसा कैसे हुआ? कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध धर्मापद कीना। तो ये बड़ा सुंदर उत्तर दिया महादेव जी ने। इसीलिए रामायण का बहुत सम्मान हम भी करते हैं। क्योंकि उसके सिद्धांत अकाट्य हैं। और महादेव जी ने जो कहा है, बोले बिहस महेश तब,
बोले हे देवी, न संसार में कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, जिसको प्रभु चाहते हैं ये मूढ़ बन जाए तो मूढ़ बन जाता है, जिसको चाहते हैं ज्ञानी बन जाए तो ज्ञानी बन जाता है। ब्रह्मा है उसको भी मोह हो जाता है। तुम सती हो, दुर्गा भगवती हो, तुमको भी मोह हो जाता है। इंद्र को भी मोह हो जाता है। सब बातों को उत्तर एक दोहा है, जेही जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि क्षण होए। जिसको जिस समय भगवान चाहते हैं जैसी लीला कराना तो वो वैसे ही हो जाता है। इसलिए नारद ने श्राप दिया, उसका कारण क्या है? रघुपति की इच्छा, भगवान चाहते थे कि हमको कोई श्राप दे दे, और इसी बात को 137वें दोहे में फिर कही गई है। पहले तो नारद ने श्राप दिया, बड़े जोर से फटकारा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करो तुम सोई। ढक ढक बहुत कहा, तुमको कर्म की बाधा है नहीं, लेकिन अब तक तुमको किसी ने सीधा नहीं किया। आज तुम्हारा टेढ़ापन हम निकाल देंगे। ढक ढक परचे हु सब काहू, अति अशंक मन सदा उछाहू, कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लग तुम्हें न काहू साधा। अब आज तुमने बायन मने न्योता दिया है, पाओगे फल आपन कीन्हा। अब तुमको अपने फल मिलेगा। तुमने जिस शरीर धारण करके मुझे ठगा है, इन्हें बंदर को मुंह दिया है, और नारी का वरह विरह कराया है, सोई तनु धरो वा श्राप मम एहा। अब तुमको भी हम श्राप देते हैं। कपि आकृत तुम कीन हमारी, बंदर ही तुम्हारी सहसा करेंगे। तुमने हमारा अपकार किया है, विश्व मोहिनी को छुड़ा लिया, खुद ब्याह कर लिया, तो जाओ तुम नारी विरह में तुम भी दुखी हो जाओगे। स्त्री वियोग होगा तुमको, और जंगलों में चिल्लाते फिरोगे, दुखारी हो जाओगे। भगवान ने उनके श्राप को सिर पर धारण किया, और फिर नारद जी की बहुत विनती किया। अपनी माया की प्रबलता भगवान ने खींच लिया,
जब हरि माया दूर निवारी नहीं तह रमान राजकुमारी। तो राजकुमारी विश्व मोहिनी भी नहीं रही, तो सब नगर गायब हो गया। शील निधि राजा का नगर गायब हो गया। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, भगवान के चरण में गिर पड़े। गहे पाहि प्रणता रति हरना, और बोले मृषा हो मम शाप कृपाला, हमारा शाप झूठा हो जाए। लो भगवान बोले हंस गए, अरे मम इच्छा कहे दीन दयाला। ये मेरी इच्छा थी, मेरी इच्छा थी कि हमको कोई श्राप दे। हमारी इच्छा थी कि कोई हमको नारी विरह की लीला करनी है तो श्राप दे और हम नारी विरह में दुखी हो जाएं। तो भगवान की इच्छा थी कि अम्बरीश के पीछे रुद्रावतार दुर्वासा ये तिरस्कृत हो जाए। सब जगह ये बात लागू हो जाती है। गोपीजनों पर लागू हो जाती है, कृष्ण पर लागू होता है, राधा रानी पर लागू होती है। कल इसी बात को हम बताने वाले थे, समय हो गया था। केवल अम्बरीश का चरित्र कह करके समय पूरा होने कर रोक दिया था। और आखिर में किसी ने टोक ही दिया, अरे अम्बरीश पूर्व जन्म में सुनार थे और इनके पीछे रुद्रावतार महादेव रूप हैं दुर्वासा। दुर्वासा की ऐसी मिट्टी पलित हुई, एक राजा के पीछे जिसके कई सवरानियां थीं, और अपार वैभव अपार लक्ष्मी श्री चारों ओर माया। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महिम अव्यम च श्रियाम लब्ध्वा विभुम चातुलम भूभुवि। ऐसी माया तो आज तक किसी के पास नहीं गई। अतुलम भूवि, पृथ्वी पर ऐसी माया आज तक कभी नहीं आई। और ऐसा माया वावन पति होने के बाद एक ग्रस्त राजा के पीछे दुर्वासा साक्षात शंकर हैं। और उनकी ऐसी मिट्टी परित भई, सारे ब्रह्मांड में उनको किसी ने शरण नहीं दिया। ब्रह्मा शंकर तक फेल हो गए। त्रिलोकी में बड़े बड़े ऋषि सिद्ध सब जगह गए हुए, अशरण हो गए, अनाथ हो गए। एक मामूली से राजा के पीछे जबकि राजा महान निंदित माना गया है,
राजा का दर्शन भी करना महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा कि पाप है। राजा रजोगुणी होता है, जब मांडव ने श्राप दिया था धर्मराज को तो कहा था हमको राजा मत बनाना, और दासी पुत्र नहीं बनाना, दास और निम्न योनि चांडाल योनि नहीं देना। जब मनुष्य बनने का शाप दिया था तो मांडव्य बोले थे तुम तीनों जगत तुमको जन्म लेना पड़ेगा, चांडाल बनोगे, राजा बनोगे और दासी पुत्र बनोगे, दासियम निवेश्या। एक तरह की वेश्या होती है दासी बनना, तो वही राजा ऐसे निकृष्ट राजा के पीछे रुद्रावतार का अपमान हुआ। क्यों हुआ? बोले मम इच्छा कह दीन दयाला, ये अटल सिद्धांत है जो अभी संख्या बताई 124। बोले बिहस महेश ज्ञानी मूढ़ न कोए, संसार में न कोई ज्ञानी है न मूढ़ है, जे जस रघुपति करहिं जब सो तस तीक्ष्ण होए। अम्बरीश निकृष्ट बने पूर्वजन में सुनार, निकृष्ट बनने के बाद राजा बने, वो भी एक निकृष्ट पदवी है राजा बनना। शास्त्र से अध्यात्म में उसका दर्शन करना भी गलत है। और उसके बाद भी रुद्रावतार का अपमान हुआ। क्यों हुआ? यही जस रघुपति करहि जब सो तस तीक्ष्ण होए। अब प्रश्न हुआ कि भगवान ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या भगवान का रुद्र से बैर है? बोले नहीं, वैष्णव नाम यथा शंभु, सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं महादेव जी। महादेव से भगवान क्यों बैर करेंगे? भगवान तो महादेव को पक्ष करते हैं। महादेव स्वयं एक बहुत बड़े भक्त हैं। क्या भगवान भक्त से बैर करेंगे? क्या भगवान शंकर का अपमान चाहते हैं? बोले नहीं, शंकर तो भक्त हैं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इसको कह दो सो जाए छोटा बच्चा, इस जा सो जा, सो जा जा, डर रहा है, बार बार गिरता है, सो जा हम कह रहे हैं। चलो अच्छा ठीक है,
चलो आगे। ये बात नहीं है, भगवान दुर्वासा का सम्मान किया भगवान ने, कैसे किया पूरी कथा अभी नहीं भई है। दुर्वासा ने जब सारी लीला हो गई तो फिर से तप किया, प्रभु को प्रसन्न किया और बोले तुम क्या चाहते हो, तो दुर्वासा बोले 10,000 बार अम्बरीश को जन्म लेना पड़े। ऐसा तिरस्कार हमको उठाना पड़ा। तो भगवान ने कहा हमारा एक बार का अवतार 1,000 जन्म के बराबर होगा। तुलसीदास जी ने दोहा लिखा है, अम्बरीश हित जन्मे सोई प्रभु 10 बार। दशावतार हुआ भगवान का, तुम्हारा श्राप सही हो जाएगा, 10 बार मैं जन्म लूंगा अम्बरीश का बदला चुकाने के लिए। इतना बड़ा सम्मान भी दुर्वासा का है। हाँ, भगवान कभी भी अपने भक्त का हाँ भगवान भक्त का दंड भगवान सहते हैं। ये कथा किसी पुराण में आई है, विभीषण के साथ एक घटना घटी है, विनय पत्रिका का, जाको नाम लिए छूटत भव जन्म मरम दुख भार, अम्बरीश हित लाग कृपा निधि सोई जन्म्यो 10 बार। इतना बड़ा सम्मान किया दुर्वासा का। दुर्वासा ने मांगा था अम्बरीश मुक्त होने के लिए साधन कर रहे हैं, उनकी जगह मुक्त होने की जगह 10,000 बार उनको जन्म लेना पड़े। भगवान बोले मैंने वचन दे दिया है, अम्बरीश तो मुक्त होंगे ही, उनकी जगह मैं 10 बार जन्म लूंगा, मेरा एक जन्म लेना 1,000 जन्म के बराबर है। भगवान ने दिखाया कि भक्तापराध से मनुष्य को बचना चाहिए और जो भागवत में है नंक्षिंत दूराद पिशूल पाणी, 5वें स्कंद में नविक्रिया जड़ भरत जी के प्रसंग में आता है, शायद 12वें या 11वें अध्याय में 5-12 होगा अंदाज से, हैं 5, 10, 25 नभिक्रिया विश्व सूर्य सखस्य साम्येन बीता भीमतेस्तवापि भी। महद विमानाद अपि शूल पाणी, महद विमानाद सकृताद्धिमांद्रिं
नंक्षिंत्य दूरादपि शूल पाणी। शूल पाणी कहते हैं महादेव को। भक्तापराध कोई भी करेगा नष्ट हो जाएगा। भगवान ने जगह जगह भक्तों को शाप स्वीकार किया। क्यों? कि भक्तापराध से स्वयं भी वो डरते हैं या सम्मान करते हैं, कुछ भी समझो। और न च संकर्षणों न शरीर नई बात, वो है एकादश में, जैसा तुम मुझको प्यारे लगते हो वैसा दाऊ जी भी नहीं लगते हैं। क्या है पूरा श्लोक? न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर। 11, 14, 14, 15, 11, 14, 15 भगवान भक्त का इतना सम्मान करते हैं, न ब्रह्मा का न शंकर का न लक्ष्मी का और न आत्मना, न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर। न च संकर्षणो न शरीर नैव आत्मा यथा भवान, जितना तुम जैसे प्यारे भक्त मुझे हैं। इसीलिए कहा गया है राम ते अधिक राम करदासा। हमने भी अनुभव किया, हम कोई साधु नहीं, संत नहीं, भक्त नहीं, लेकिन हमने अनुभव किया छोटे से जीवन में कि बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे भक्त, अच्छे अच्छे विरक्त थे, सेवा परायण, लेकिन जिस समय भक्तापराध हुआ उनको मान बिहारी लाल ने विदा कर दिया। हमने आज तक किसी को नहीं निकाला। क्यों? हम स्वयं डरते हैं। मंदिर हमारा नहीं है, ये तो ठाकुर का है। हम किसी को निकालेंगे, कल को हम भी निकाल दिए जाएंगे। किसी को निकाला नहीं, निकालना होता है द्वेष से या डर से। बहुत सी लड़कियां आई। अब जैसे ये आई थी वंशी दासी, श्यामा की माँ, तो सब लोग इसके विरोध में थे। हमारे यहाँ भी लोग विरोध में थे, चाहे पंडित जी हैं, चाहे रस मंदिर वाले हैं, सब विरोध में थे। कई कारण थे उसके। लेकिन हमने नहीं निकाला। हमने कहा भाई केस लग रहा है, हम भले जेल चले जाएंगे, लेकिन जो आ गया भगवान की शरण में उसको हम डर करके नहीं निकाल सकते। रिपोर्ट भाई थाने में, लोगों ने कहा थानेदार वगैरह पुलिस आ रही है, हमने कहा आने दो। डर करके नहीं निकाल सकते हम।
द्वेष करके नहीं निकाल सकते, खुद चला जाए तो रोकेंगे नहीं। और जब जब इसने कहा हम वृंदावन जा रहे हैं, हमने कहा चले जाओ, किसी को रोकते नहीं हैं, कोई खुद गया तो हम नहीं रोकते हैं। लेकिन कोई डर करके गोली लेके खड़ा हो जाए और मारने की स्थिति धमकी दे तो उस भय से हम नहीं निकाल सकते। भक्त का द्वेष से त्याग नहीं कर सकते। भगवान ने ये दिखाया कि मैं लक्ष्मी को छोड़ सकता हूं, अपने आप को छोड़ सकता हूं, नई आत्मा, आत्मा माने अपने आप को भी मैं सम्मान नहीं देता हूं। क्या जरूरत पड़ी है भगवान को गोपियों की दास्ता करने की, ग्वालों की दास्ता करने की, ग्वालों के जूठन खाने की, गाली खाने की, क्या कारण है? भक्ति शक्ति दिखा रहे हैं भगवान, गोपियां गाली दे रही हैं, दुर्वचन कह रही हैं और भगवान जूठन मांग मांग के खा रहे हैं, मुंह से निकाल निकाल के खा रहे थे। इसलिए ब्रह्मा को मोह हुआ। कठपुतली बन गए हैं भगवान, जैसे नचा रही हैं, भागवत में श्लोक आता है, वैसे नाचते हैं। ये भक्ति की शक्ति दिखाते हैं भगवान। गोपी भी स्तोभितो नृत्यत भगवान बालवत क्वचित। स्तोभित माने लोभ दे रही हैं, छाछ का लोभ, दूध का बनी छाछ, सारहीन वस्तु का लोभ। ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। छछिया भर चुल्लू भर छाछ पे नचाती हैं। ब्रजवासी कहते हैं छाछ भी नहीं मिलती कन्हैया को, दही कौन ने कही? ब्रजवासी कहते हैं कि कोई दही कहता था, लाला दही है वहां, अरे कौन ने कही है, यहां ब्रज में तो छाछ भी नहीं मिले। बोले यह गप है, गप नहीं है। एक पद है, आज दधि कंचन मूल भई, महापुरुषों ने लिखा है। अरे ये दही सोने से ज्यादा महंगी हो गई। ये पद है, छाछ तो मिलती नहीं ब्रज में, मांगने से नाचने नाच नाच करके हम छाछ लेते हैं, तब छाछ देती हैं गोपियां। ताही अहीर की छोहरियां छछिया चुल्लू भर छाछ पर नचाती हैं। ब्रह्मादिक दुर्लभ सो दधि ग्वालन बांट लई, ग्वालों ने दही बांट लिया। दधि के बदले मुंदरी दीनी जसुमत खबर खबर भई। जसुदा के पास जाकर कहा वालों ने, अरे जसुदा तेरे छोरा ने जो मुंदरी तेने पहनाई थी रत्न जटित वो बेच दई है,
बोले कहे दही कहा काय बात पे बेचा दही के लिए, अरे मर नहीं पूते दही के तो यहां माठ भरे पड़े हैं। जसमत खबर भाई दद के बदले मुदरी दीनी, जसमत खबर भाई वो भगवान अपना भी सम्मान नहीं रखता। नैव आत्मा च यथा भवान, आई आत्मा मने भगवान, मैं भगवान हूं जो भूल जाता है। बोले क्यों कि संसार जब जानेगा भक्ति की महिमा तब भक्ति करेगा। भक्ति ही बड़ी है, भक्ति पीछे भगवान अपनी लक्ष्मी को सम्मान नहीं करते, भक्ति के पीछे अपना भी सम्मान नहीं रखते। और उस भक्ति के लिए जो मनुष्य परिवार बेटा बेटी सब छोड़ देता है, भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। दुर्वासा जी से कहा है भगवान ने, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान 9462 के आसपास होगा। देखो क्या संख्या है, हैं 65, अच्छा 65। ये दारागार पुत्राप्तान, भगवान के लिए जो अपनी स्त्री छोड़ देता है, अगार मने मकान छोड़ देता है, पुत्र बेटा बेटी छोड़ देता है, आप्त मने माँ बाप छोड़ देता है, प्राणों को छोड़ देता है, वित्त पैसा छोड़ देता है, इमम मने सारा संसार छोड़ देता है, तो क्या चूतिया है वो? नहीं, सर्व त्याग किया तो भगवान उसका ऋणी हो जाता है। उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूं? तो भगवान के लिए एक पैसा छोड़ोगे तो भगवान उसको अनंत कर देता है। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। ग्यारहवें स्कंद में शायद 11वें अध्याय में भगवान ने बात कही है, ग्यारह ग्यारह 41। यद यद इष्टतमन लोके, जो सबसे प्यारी चीज है, इष्टतम माने प्यारी, जो अति प्रिय है अपने, तुम मुझको निवेदन कर दो वो अनंत बन जाएगी। एक पैसा भी तुम दोगे तो अनंत बन जाएगा, भगवान का नियम है। लेकिन भगवान के लिए छोड़ो, ऐसे नहीं कि घर छोड़ के आए यहां पैसा इकट्ठा करने लग गए, यहां फिर भोग भोगने लग गए, तो छोड़ा तुमने क्या? ये भगवान की प्रतिज्ञा है। द्रौपदी के पास साड़ी देवलोक की थी, अब जब चक्र चलाया शिशुपाल को मारने के लिए तो लीला भगवान की थोड़ी सी चक्र से यहाँ खरसोट लग गई उंगरी,
तो द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी फाड़ दिया और पंछुरा जब तुरंत कट जाए तो उसमें गीला कपड़ा बांधने से खून रुक जाता है। तो वो साड़ी फाड़ दिया और कृष्ण की उंगली में लपेटा। अरे पांचाली, ये तो देवलोक की साड़ी, ये तूने क्या किया? बोले महाराज, चीर ढूंढने के लिए अवसर नहीं था कोई कपड़ा, और क्या है देवलोक की साड़ी आपसे भी ज्यादा कीमती होगी, चीर फाड़ दिया। तो भगवान ने सोच लिया, इतने से चीर का हमको अनंत बनाना है, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है जो लोग तदानंत्याय कल्पते, 11:41 इस श्लोक को अगर कोई पढ़ता है और भगवान के ऊपर विश्वास करके सब छोड़ देता है तो अनंत बन जाता है। हम लोग क्या अनंत बनेंगे? 10-10 रुपए के पीछे विवाद करते हैं, 100-200 रुपए के पीछे झगड़ा करते हैं, भगवान के लिए छोड़ना नहीं जानते। भगवान के लिए सब छोड़ देना चाहिए, यही बात सवेरे हम कह रहे थे किसी से कि देखो एक गृहस्थ कैसा है, हजारों जंजीरें हैं इसमें। कोई कोई आती है, महाराज क्या करें, लड़की है जवान हो गई है, कैसे घर पर छोड़ सकते हैं? ठीक, सुन लेते हैं। कैसे आवे महाराज, लड़के के इम्तहान है, रोटी कौन बना कर देगा? ठीक है भाई, तुम्हारी बात सही है, बहुत सी समस्याएं हैं महाराज, क्या करें, पति देवता बीमार पड़ गए तो कैसे आ सकते थे? ठीक कह रहे हो, सैकड़ों तरह के बंधन हैं, किसी का बेटा बीमार, किसी की बेटी बीमार, किसी का पति बीमार, किसी के सास नाराज, किसी के ससुर, एक झगड़े नहीं है, जाने कितने झगड़े रहते हैं, जाने कितने बंधन हैं। और जो सारे बंधनों को तोड़ता है तो भगवान उसका ऋणी हो जाता है। 9:46 ये दरागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परमहित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुम उत्सहसे। अब भगवान उनका ऋणी होता है, और हमारा कैसे ऋणी हो जाएगा? हम 10 रुपए के पीछे लड़ जाते हैं। तो भगवान भी जानता है, तू नोट तेरे को प्रिय है तो नोट ले जा, 20 लाख का फ्लैट खरीद के दे देंगे भगवान, 50 लाख का फ्लैट दे देंगे, करोड़ का फ्लैट दे देंगे। कल कोई कह रहा था, सच झूठ तुम जानते नहीं, यानी कितने करोड़ रुपए नाम नहीं लेंगे, किन्हीं किन्हीं लोगों के पास निकले, संतों के पास है? अच्छा खैर, जाने जा हम समझ नहीं पाए क्या कह रहे हैं। और भी कई नाम आए और सब गवर्नमेंट ने ले लिया, कहीं 11 करोड़, कहीं कितने 100 करोड़, कितने अरब,
संतों के पास निकले और सब गवर्नमेंट ने लिया, न पैसा देवाए न धर्माए। और वही पैसा अगर लगा देते जमुना जी के उद्धार में, ब्रज के उद्धार में, तो शायद साक्षात भगवान की कृपा मिलती, वैसे भी नाम अमर रहता। लेकिन अब सब गवर्नमेंट ने खींच लिया, बदनामी भी और पैसा भी गया। इसी बात को भगवान ने कहा है 11वें स्कंद में, कहा है परिग्रहो ही भूतानाम संग यत प्रिय तमाम नृणाम। क्या 11:9:1 परिग्रह ही दुखाया है 11:9:1 संग्रह जरूर करते हैं मनुष्य लोग, चाहे दुख पाएंगे और पाते हैं। 24वें अध्याय में आता है प्रायण अर्था कदर्याणाम, संख्या क्या है भिक्षु गीत में 23:11-23:15। संग्रह करेंगे ना सुखाए कभी सुख नहीं मिलेगा, इहचात्मोपता पाया इस संसार में भी ताप देता है पैसा, बदनामी कराता है, इतना संग्रह किया इसने। और मृतस्य नरकाय च, मरने के बाद नरक जाएगा, निश्चित नरक जाएगा, लेकिन नरक जाए चाहे कहीं जाए पैसा चाहिए, संग्रह चाहिए। दिन रात कथा कह रहे हैं और संग्रह कर रहे हैं, कह रहे हैं भागवत जी और संग्रह कर रहे हैं, कैसी विचित्र भगवान की माया है। अब भागवत कहने वाले क्या श्लोक नहीं पढ़ते होंगे, पहला श्लोक ही है 9वें अध्याय का। ऐसे भिक्षु गीत में 23:15 है, मरने के बाद निश्चय नरक मिलेगा, हर आदमी सुनता है। लेकिन क्या हम लोगों को कथा कहने के बाद सुनने के बाद ज्ञान होता है? कुछ नहीं होता, जो माल आ गया सो गड़प। इसलिए जब भगवान के लिए हम छोड़ते हैं तो भगवान ऋणी हो जाता है। लेकिन छोड़ नहीं सकते, यत प्रिय तमाम नृणाम, बड़ा प्यारा लगता है, चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए। हमारी यात्रा जब उठी तो काम बन की घटना है, कोई सेठानी थी, वो अपने गुरुजी के पास गई, बोले वहां बरसाने वालों की यात्रा कर आई। बोले कैसी रही? बड़ी अच्छी रही महाराज। बोले कुछ खर्च भया? बोले कुछ खर्च नहीं भयो, वो तो फ्री यात्रा है। तो भगवान जाने सच झूठ क्या है। गुरुजी बोले हमने तो फटकारो कि तू अपने घर में भी रहती तो वो रोटी खाती, कम से कम, कम से कम अपने घर में तेरा 40 दिन में खर्च हो जाता, तो 40 दिन के अपने खुराक का खर्च तो देना चाहिए था। और तू कह रही बड़ी अच्छी रही, फ्री की यात्रा हो गई। तो तेरी यात्रा बेकार गई, गुरुजी बोले। भगवान जाने नहीं क्या? और ये हमने चमत्कार देखा है, यहां गहबर वन में डॉक्टर साहब थे, बड़े ऊंचे महात्मा थे,
इतने ऊंचे महात्मा कि हमारे यहां के ब्रजवासियों के गुरु थे, और उनका डॉक्टर का पेंशन आता था हर महीने, ऊंचे डॉक्टर थे। वो पेंशन का पैसा बचा करके बेटा बेटी को देते थे। वहाँ उनको मकान वकान था, ऐसा नहीं कि गरीब नहीं थे, लेकिन आसक्ति इतनी थी कि यहाँ भी शिष्य बनाए थे। शिष्य लोग जो कुछ भेंट दें सब बेटा बेटी को। तो एक दिन बाबा हमारे टहलते आए और कुटिया फूटी थी जिसमें रहते थे, नीचे जो धर्मशाला में, एक धर्मशाला के भीतर कुटिया और एक बाहर कोठरी, अब तो वहाँ नहीं है, टूट गई है। तो बाबा बोले इसकी छत टूटी है, सुधरवा लो डॉक्टर साहब। विरक्त इतने थे, डॉक्टरनी अलग रहती थी, डॉक्टर अलग रहते थे, स्त्री पुरुष अलग अलग, इतना वैराग्य था। लेकिन बोले बाबा अब जीवन कितना है, 90 से ऊपर की उम्र थी, 100 के होकर मरे हैं, जब बहुत करते थे। हंस गए बाबा, बोले तुमको पता नहीं है, आसक्ति अजर पाश है, चिता पे जलने के बाद भी आसक्ति नष्ट नहीं होती है। बोले भजन तो बहुत करता है डॉक्टर, लेकिन इसका सब कुछ समर्पण बेटा बेटी में है, इसलिए भगवत प्रेम कठिन है। वो चले गए बाबा कह करके। 10-5 दिन ही बाद गहबर वन में डाकू आए, चोर आए और सिर मारा फट गया। गहबर छोड़ना पड़ा उनको, फिर जयपुर मंदिर जाकर रहना पड़ा। जहां शक्ति होती है, यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा, पहले स्कंद में 18वें अध्याय में है, विप्रोह देहादि शिव संग मूढ़म, क्या संख्या है, 18 का 22। देह आदि से आसक्ति नहीं हटाएगा तो मूड है। जब आसक्ति हटने के बाद तब भगवान के धाम में जाता है। ऐसे ठग नहीं है हम लोग भगवान को ठग लें, स्त्री पुत्र आदि की आसक्ति करते रहें और भगवान भी मिल जाए। तो भगवान ने दुर्वासा का भी महत्व बनाया, अम्बरीश का भी, ये दिखा दिया कि मुझे शंकर भी प्रिय नहीं है, मुझे भक्त ही प्रिय हैं। न तथा मे प्रियतम आत्मयो निर्न शंकर, न शरीर नैव न च संकर्षणो न शरीर नैव आत्मा यथा भवान। भगवान भक्तों से इतना प्यार करते हैं, लेकिन कौन से भक्त जो सब कुछ भगवान के लिए छोड़ देते हैं। ठग्गू लोग नहीं, जैसे हमसे जैसे लोग ठग्गू हैं, धन से प्रेम, भोग से प्रेम, तो हम ठग विद्याई करके क्या भगवान को जीत लेंगे। इसलिए कल जो कथा हमने कहा था, तो उसमें जो शंका किसी ने किया था, शबरी को भगवान ने इतना प्यार क्यों किया है बताओ। मिली मुनि बृंद फिरत दंडक बन, सोचर चो न चलाई। बड़े बड़े ऋषि थे दंडक बन में, सतयुग के, त्रेता के, और उनकी याद भी नहीं किया भगवान ने। बारंबार गीध शबरी की
बरनत प्रीत सुहाई रघुवर रावर यह बड़ाई निदर गनी आदर गरीब पर करत कृपा मन भाई। ऋषियों की याद नहीं किया एक नीच जात की शबरी भीलनी एक तिर्यक योनि का पक्षी चटायु इन दोनों को वर्णन किया भगवान ने ऋषियों को छोड़ दिया क्योंकि गोविंद केवल प्रेम ही मानते हैं और ज्ञानवान बैराग फैराग कुछ नहीं। और कुछ बातें और हैं जो कल कहेंगे समय हो गया।